हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने स्मार्टफोन से प्ले स्टोर को डिलीट करना चाहते हो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि प्ले स्टोर को अगर अनइंस्टॉल करना रहे तो हम कैसे करेंगे? तो फिर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्ले स्टोर को डिलीट करना चाहो तो किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, यानी कि अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों मान लीजिए इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करना रहता है, यानी कि डिलीट करना रहता है, तो दोस्तों इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अनइंस्टॉल लिखा है। इसी पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्ले स्टोर को भी इस तरीके से क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अनइंस्टॉल ऐप्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसे अनइंस्टॉल किस तरीके से करेंगे, यही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने प्ले स्टोर को थोड़ी देर तक इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आई बटन ऐप इन्फो का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिसेबल का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको एक बार परमिशन के लिए डिसेबल ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये प्ले स्टोर आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन से हाइड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये डिलीट हो चुका है, यहां से अनइंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों अगर इसे आपको ढूंढना रहे और यूज करना रहे तो किस तरीके से आप इसे ढूंढोगे और कैसे यूज करोगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। और सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप्स का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सी ऑल ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है। अगर प्ले स्टोर यहाँ पर ढूंढने पर नहीं मिल रहा तो दोस्तों यहीं पर आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर एक सर्च बार देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है प्ले स्टोर। इस तरीके से आप प्ले स्टोर सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इनेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका प्ले स्टोर आपके होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा प्ले स्टोर यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर अभी थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा कि मेरा प्ले स्टोर यहां पर देखने को मिल गया, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा प्ले स्टोर यहां पर देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्ले स्टोर को डिलीट कर सकते हो। अगर वापस लाना चाहो तो इस तरीके से आप ला सकते हो अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।